क्या आप डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा है जिसका वजन बहुत बड़ा हुआ है? तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये बीमारियां हमारी छोटी सी गलतियों की वजह से होती हैं। अगर हम उन गलतियों को ठीक कर लेते हैं तो ये बीमारियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन हम लोग इन बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पिछले 10-20 साल से डायबिटीज यानी कि मधुमेह की दवाई खाते रहते हैं, और उन दवाइयों को खाने से हमारे शरीर में और कई साइड इफेक्ट्स आते हैं और हम बहुत बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज आप अक्सर ही कहते और महसूस करते होंगे कि जिस इंसान के पास जितना पैसा है उसके पास उतनी ही ज्यादा बीमारियां हैं। क्या आपने इस चीज को सही से एनालाइज करने की कोशिश की? दोस्तों जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या कम है, वो लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग जो उनको मिलता है वो खा लेते हैं, चाहे वो ताजा हो या बासी हो। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा होता है वो हर चीज को ताजा खाते हैं। वो ये देखते हैं कि जो चीज आज बनी है उसे अभी खा लो, नहीं तो वो खराब हो जाएगी, उससे बीमारियां लग जाएंगी। अगर ऐसा होता तो जो लोग गरीब हैं वो तो बहुत बीमार होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों धर्मों में एक फेस्टिवल आता है जिसे बासड़िया या बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। आप में से बहुत लोग उस फेस्टिवल के बारे में जानते होंगे, जिसमें कि खाना एक दिन पहले बनाया जाता है, फिर रात को शीतला माँ को उसका भोग लगवाया जाता है और अगले दिन उस बासी खाने को खाया जाता है। अब अगर बासी खाना सेहत के लिए बुरा होता तो फिर ये त्योहार क्यों रखा गया? क्योंकि धर्मों में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज हो उसके अनेकों फायदे हैं। जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं वो लोग भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये बेलपत्र हमारे लिए कितना फायदेमंद है? आयुर्वेद में बेलपत्र को एक औषधि कहा गया है। अगर सुबह खाली पेट बेलपत्र खाया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। वही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये खत्म की नहीं जा सकती, इसके लिए आपको लंबे समय तक दवाइयां खानी होगी। आज के मेडिकल साइंस में लोग उन दवाइयों को 20-20 साल 30-30 साल से खाते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बेलपत्र आपके हाई ब्लड प्रेशर को 2-3 महीने में जड़ से खत्म कर सकता है। धर्मों में यूज होने वाली लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारी औषधियां हैं। अक्सर इन चीजों को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यही चीजें आयुर्वेद में औषधि हैं। अगर आप सुबह खाली पेट लौंग या इलायची खाते हैं तो आप पेट की कितनी बीमारियों का नाश कर सकते हैं। मंदिर में नंगे पांव जाना एक ऐसी प्रथा है जो कि आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी बात मानी गई है। अगर आप नंगे पांव चलते हैं तो उससे आपकी ढेरों बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी हमारे हाथों और पैरों की नसों से जुड़ी होती है। इसीलिए एक्यूप्रेशर में पांव और हाथ के पॉइंट्स को दबाया जाता है। लेकिन अगर आप नंगे पांव चलते हैं तो आपके पैरों के पॉइंट्स अपने आप दबते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर की ढेरों बीमारियां दूर होती हैं। आज की मेडिकल साइंस इस बात पर रिसर्च कर रही है कि किस तरह से पुराने जमाने में आयुर्वेद और धर्मों को जोड़ा गया था। धर्मों में कहा जाता है आपको व्रत रखना चाहिए, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में व्रत रखने के फायदे बताए गए हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जो हमें व्रत रखने के लिए कहा जाता है उसका फायदा क्या है? दरअसल दोस्तों जब आप व्रत रखते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में कई बीमारियों का नाश होता है। हम सभी की बॉडी में वायरसेस और बैक्टीरियाज होते हैं। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आपके वायरसेस और बैक्टीरियाज भी भूखे मर जाते हैं, जिस कारण से वो मर जाते हैं। यानी कि जब आप व्रत रखेंगे उस समय आपकी बॉडी के अंदर के वायरसेस बैक्टीरियाज मरेंगे, साथ ही साथ आपके पेट की सफाई होगी, जिससे कि पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और व्रत में ये भी कहा जाता है कि आपको अनाज नहीं खाना, क्योंकि दोस्तों जब आप अनाज खाते हैं तो उसे पचने में 16-20 घंटे लग जाते हैं, वहीं अगर आप फल खाते हैं तो वो 3-4 घंटे में पच जाते हैं। इसीलिए व्रत में सिर्फ फल खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि फल फाइबर से भरपूर होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और ये पेट की सफाई करते हैं। जिस इंसान का पेट साफ है उस इंसान को कोई बीमारी नहीं हो सकती, इसीलिए ये व्रत की प्रथा चलाई गई। चाहे आप भगवान शिव के लिए सोमवार का व्रत रखो, चाहे मंगलवार का रखो, कोई भी व्रत रखो, लेकिन आप हफ्ते में एक व्रत जरूर रखो ताकि आपकी बॉडी की सफाई हो। तो दोस्तों जिस त्योहार की मैं बात कर रहा हूँ वो है बासड़िया या बासोड़ा। देखिए दोस्तों इस त्योहार में खाने को एक दिन पहले बनाकर रखा जाता है और अगले दिन उस बासी खाने को खाया जाता है। अब बासी खाने को खाने से कैसे शरीर स्वस्थ होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी को अगर 8 घंटे रखा जाता है तो उसके अंदर अच्छे बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। जैसे आप दूध को जामन लगाकर रखते हैं और 8 घंटे बाद उसमें अच्छे बैक्टीरियाज पैदा होने से वो दही बन जाता है और शरीर को फायदा करता है, उसी तरह से गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी को अगर 8 घंटे रखा जाए तो वो बॉडी के लिए अच्छी बन जाती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रोटी गेहूं के आटे की ही होनी चाहिए और 8 घंटे ही पुरानी होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर रोटी पुरानी होगी तो वो बासी रोटी खराब हो जाती है। 8 घंटे पुरानी गेहूं के आटे की बनी हुई बासी रोटी
अगर सुबह खाली पेट गाय के दूध में डुबोकर खाई जाए तो ये बीमारियों का नाश करती है। आपको गेहूं की रोटी को सुबह गाय के दूध में 10 मिनट तक डुबोकर रखना है। उसके बाद आपको खाली पेट बासी मुंह इस रोटी का सेवन करना है। इससे आपकी जो बीमारियां दूर होंगी, चलिए मैं आपको वो बताता हूं। दोस्तों सबसे पहला, मधुमेह डायबिटीज यानी कि शुगर। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर दूसरे घर में है और हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई है कि ये बीमारी जड़ से ठीक हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों अगर आप बासी रोटी को हर रोज सुबह खाली पेट लगातार 3 महीने खाते हैं तो ये डायबिटीज की प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। अरे एक बार करके तो देखिए, फिर आप बताइए कि आपको फायदा होता है या नहीं। हम लोग इंटरनेट पर ढेरों बातें सुन लेते हैं, आयुर्वेद से जुड़ी हुई ढेरों वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन जब उनको अपनाने की बात आती है तो 2-3 दिन में हमें ये करना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि वो छोटी छोटी गोलियां ले लो, वो लेनी आसान है। हमें आयुर्वेदिक औषधियां बनानी और उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है। दोस्तों आप एक बार बासी रोटी को खाकर देखिए, आपकी मधुमेह की प्रॉब्लम दूर होगी, आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा, आपका शुगर का लेवल कम होने लगेगा। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये बासी रोटी वरदान है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अगर बेल पत्र को सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें तो उनकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 2-3 महीने के अंदर जड़ से खत्म हो जाती है। चाहे 20-30 साल पुराना हाई ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो, एक बार बेल पत्र खाकर देखिए। 2-3 बेल पत्र आपको सुबह खाली पेट बासी मुंह खाने हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इलाज जो हाई ब्लड प्रेशर का है वो है सुबह खाली पेट भर पेट पानी पीना। सुबह उठते ही आप जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए, भर पेट पानी पीजिए, 2-3 महीने में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझ ही नहीं पाते। दोस्तों खून गाढ़ा हो जाने से हाई ब्लड प्रेशर होता है, खून गंदा हो जाने से हाई ब्लड प्रेशर होता है। जब तक आप अपने गंदे खून को साफ नहीं करेंगे तब तक आप जितनी मर्जी दवाइयां ले लो कोई फायदा नहीं होगा। खून गंदा होने का कारण है आपके पेट की गंदगी। अपने पेट को साफ करो, अच्छी चीजें खाना शुरू करो, अपने आंतों की सफाई करो, ऐसी चीजें खाओ जिसमें ढेर सारा फाइबर हो। इससे आपका पेट साफ होगा, आपका खून साफ होगा, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो दोस्तों अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को वजन कम करना हो तो ये बासी रोटी बहुत अच्छी है। वजन को कम करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको खाना छोड़ना है। जब भी वजन कम करने की बात आती है तो लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि शायद भूखे रहेंगे तो जल्दी वेट लॉस होगा। दोस्तों वजन कम करने के लिए खाना पीना छोड़ने से वजन कम हो ना हो लेकिन कमजोरी जरूर आ जाती है। आपको ऐसा नहीं करना, वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना नहीं बल्कि सही खाना जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो ढेर सारा खाते हैं लेकिन फिर भी पतले हैं, क्योंकि वो सही खाते हैं या उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। आपका अगर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो तो आपका वजन बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे ही आप बासी रोटी सुबह खाली पेट खाना शुरू करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा, जिससे कि आपके पेट के अंदर की चर्बी अपने आप गलने लगेगी, एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। अगर आप लगातार बासी रोटी 2-3 महीने खाते हैं तो 15-20 किलो वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से सिर्फ बासी रोटी के जरिए हम इतनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि शायद ये बीमारियां लाइलाज हैं, डायबिटीज का शायद कोई इलाज ही नहीं है। दोस्तों आप हल्दी दूध पीकर देखिए, आपके कैंसर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको कभी कैंसर ही नहीं होगा अगर आप हल्दी दूध पी रहे हैं। ये हल्दी एक ऐसी चीज है जिसे हजारों सालों से आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा शादी के समय भी हल्दी का बना उबटन लगाया जाता है, लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं कि ऐसा क्यों है। दोस्तों हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है, फंगस को खत्म करती है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, रंग को गोरा करती है, इसीलिए तो हल्दी का बना उबटन लगाया जाता है। लेकिन हमें तो आजकल फेस वॉश, फेस क्रीम्स, पता नहीं यही चीजें लगानी क्यों अच्छी लगती है। शायद हमें लगता है कि ये चीजें आज की मॉडर्न साइंस ने बनाई है, लेकिन दोस्तों ये चीजें सिर्फ एक बिजनेस है। अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं तो हल्दी का बना हुआ उबटन लगा लीजिए, हल्दी को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगा लीजिए। तो दोस्तों ऐसी ढेरों आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो बॉडी की हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं। इन सारी औषधियों के बारे में हम आपको अपने इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस में वीडियोस में बताते रहते हैं। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसी और वीडियोस के साथ फ्रेंड्स हमारा मिलेंगे। धन्यवाद।